आज का प्रेरणा पात है नशा मुक्ति। यानी जितने तरह की लत है, जितने तरह के नशे हैं, वो जैसे कि भांग का नशा, शराब का नशा, और जो अहंकार का नशा, मद का नशा, और आपके जो है चड़स, भांग और ब्राउन शुगर इत्यादि कई कई तरह की ऐसी जो है चीज़ें हैं जो कि नशा लाती है। नशा का मतलब है कि वह व्यक्ति को एक समय में तो बहुत ही मेंटल पीस देती है, शरीर को हल्का बनाती है, लेकिन धीरे धीरे नशा नाश का दौर है। व्यक्ति पहले नशा करता है और फिर जो है नशा है व्यक्ति का नाश कर देता है। यानी जब उसमें धीरे धीरे गहरा बैठता है तो निश्चित समय के ऊपर जो है जैसे भोजन शरीर मांगता है, वो शरीर नशा भी मांगने लग जाता है, और वह धीरे धीरे उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। और नशा करने से हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, हमारे जितने भीतर के वेस है, स्मरण शक्ति है, सब खराब हो जाती है, और अर्थ का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत महंगी है ये नशे की चीज़ है। तभी तो लोग जो है इसका प्रचार प्रसार करके अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो अर्थ की हमारे हानि होती है। उस हानि होने से परिवार के सदस्य बिगड़ जाते हैं, बाल बच्चे अभावग्रस्त हो जाते हैं, उनका विकास नहीं होता है, घर एक नरक का बन जाता है, घर में क्लह हो जाती है। और जो नशीली व्यक्ति जो कमाने वाला है, जब वो नशा करने लग जाता है तो परिवार को कौन संभालेगा, उसका कोई सम्मान नहीं होता है, और घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलह चलती रहती है। और जो बच्चे इस तरीके के माता पिता के जो साथ में हो जाते हैं, शिक्षित भी नहीं हो जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे आगे जाके अपराधी आतंकवादी भी बन जाते हैं।